हेलो, यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ है कि मुझे फोन कॉल आया था दीपक कलाल जी से, और वो कह रहे हैं कि वो हाइडिंग में चले गए हैं। वो कोई पर्वतों के बीच में घूम रहे हैं इस वक्त, और वो डरे हुए हैं, और वो कह रहे थे कि यहाँ आके वो सब कुछ बताना चाहते हैं। तो जल्दी ही उन्होंने लेके आते हैं। प्लीज वेलकम दीपक कलाल। हाँ जी दीपक कलाल जी, आपने आपके साथ क्या हो रहा है बताइए। एंडी, मेरे साथ ज्यादताई हो रही है, बहुत बड़ी ज्यादताई। ये जो पहाड़ पीछे देख रहे हो ना एंडी, एंडी मैंने वहां पे मेरा आशियाना बना लिया है। एंडी, मैं सदमे में हूं, मुझे पता नहीं क्या हो गया है। मेरे मामा, मेरे पापा सब बहुत बहुत चिंतित हैं। वो जो सामने वो पहाड़ पे वो जो छोटा सा घर दिख रहा है ना एंजी, वहां पे मैंने आशियाना बना लिया है। मैं यहाँ पे हिमालय की गोद में आ गया हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि आदिल दुर्रानी, राखी सावंत, ये लोग मुझे उनकी तरफ खींचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे दिल के अंदर में वो सब राज छिपे हुए हैं। ये राज उगलवाने के लिए ये लोग मेरे साथ ज्यादताई कर सकते हैं, और इसीलिए एंटी मैंने अपने आप को हिमाचल में स्थित कर दिया है। एंटी, हिमाचल में स्थित कर दिया। तो आप कह रहे हैं कि आप आदिल खान दुरानी और राखी सावंत के डर से ही आप अपनी नगरिया छोड़ के भाग गए हैं पर्वतों के बीच। उन्होंने ऐसा हाँ आपको जी क्या किया अपने तरफ खींचने के लिए? एंजी, मुझे अंडरवर्ल्ड से फोन आए। वो फोन किसने करवाए, क्या करवाए, मोना पतो। लेकिन वो फोन में मुझे धमकियां दी गई कि आप हमारे पक्ष में बात करो। मैंने मैंने कहा कि नो नो, मैं लेना किसका पक्ष लेना। एक बार अचानक मेरे घर की घंटियां बजने लगी और दरवाजे में खनखनाहट होने लगी। मैं सदमे में चला गया एंटी। मैंने सोचा कि कहीं वो मेरे घर का दरवाजा तोड़ के घर में न घुस जाए। उसके बाद में मैंने सिक्योरिटी मेरे घर पे तैनात की, लेकिन जब भी मुझे बाहर जाना पड़ता था मुझे बहुत अनकंफर्टेबल महसूस होता था। मैं यहाँ पे दीपक कलाल जी, आप ये बताइए, बहुत जरूरी सवाल है कि आपके घर में कितनी घंटियां हैं? एक ही घंटी है, क्यों? तो आपने घंटियां क्यों बजाई? अच्छा सॉरी, घंटी बजाई, घंटिया नहीं। एक्चुअली एक होती है, लेकिन जब वो बार बार बारंबार बजते रहती हैं तो उसे मैं घंटिया कहता हूँ आंटी। तुम्हें पता है वहां पे गोवा में मैं काजू के आटे की रोटी खाता था, लेकिन जब से मैं यहाँ पे आया हूँ मुझे बादाम के आटे की रोटी और स्ट्रॉबेरी की सब्जी खानी पड़ रही है, जिसकी मुझे आदत नहीं है। समंदर किनारे रहने वाले हम लोग जो कि काजू की रोटी खाते हैं, यहाँ पे बादाम के आटे की रोटी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। और तो मैंने कल शेरनी के दूध की चाय पी। मैं बहुत टेंशन में हूँ एंडी, बहुत ज्यादा। आ गई राखी सावंत, राखी सावंत आ गई। आ गई, आ गई, आ गई, वो आ गई। वो इधर से तो नहीं आएगी ना, वो उधर से तो, वो मेरे ऊपर अटैक तो नहीं करेगी ना। वो आ गई। मुझे मुझे झटके आते हैं एंडी। मैं अपने आप में समेटे जा रहा हूँ, मैं अपने आप में दौरे पड़ने लग गए एंडी। ये दिल के दौरे हैं या दिमाग के? मैं दोनों तरह से हावी हो चुका हूं, दिमाग और दिल एक दूसरे के ऊपर हावी हो गए, और ऊपर से तुम चाबी मारने के लिए आते हो एंडी। अच्छा, मैं भी आता हूँ। तुम अच्छे हो, तुमने हमेशा मेरी सांत्वना की है, कभी प्रताड़ना नहीं की है, लेकिन मुझे डर है कि वो यहाँ पे भी ना आ जाए।
राखी सावंत बहुत डेंजरस है। उसने आदिल को 6 महीने जेल में चक्की पिसवाई है। तो आदिल ने आपको, क्या उसने आदिल ने आपको फोन किया था कि वो आप उनके पक्ष में बात करें? 6 महीने, हाँ, उसने कहा कि तुम, मैं और तनुश्री दत्ता के कैंपेन में शामिल हो जा। मैं तनुश्री दत्ता के कैंपेन में शामिल होता अगर वो आशिक बनाया आपने वाली हीरोइन होती, लेकिन अभी वो थोड़ी मोटी हो गई है, जिसको मैं सपनों में देखा करता था। अब मैं रियलिटी में उसको नहीं मिलना चाहता हूँ, क्योंकि वो मोटी हो गई है। तो और आदिल खान दुनिया में खुद एक हारा हुआ खिलाड़ी है, उसके साथ मैं क्या जाऊं, उसके साथ मैं भी चक्की पिसूं कहां, और मैं दूध से दुलाऊं, मैं इनके जैसे खट्टी लस्सी से लस्सी की पिचकारी से नहीं दुआऊं, मैं इनके जैसे जिंदगी नहीं जी सकता हूं। 6 6 महीने जेल में मैं नहीं रह सकता एंडी। मैं राखी को यही कहना चाहूंगा, पक्ष दे, पक्ष दे, मुझे छोड़ दो। आई थिंक पहाड़ों का कनेक्शन थोड़ा आना जाना रहेगा, एंड हो भी सकता है कि राखी सावंत ही खुद आके इनका कनेक्शन भी खराब कर रही होगी, इन्हें ये भी लग रख सकता होगा, हो सकता है कुछ भी हो सकता होगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है, कि इनका कनेक्शन चालू होता है कि नहीं। तब तक आई विल जस्ट थिंक। हाँ आगे वापस। हाँ जी, क्या हो तो मैं गया? आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने तनुश्री दत्ता के बारे में बोला, तो आपको क्या लगता है कि जब उन्होंने एंडी, बोला राखी एंडी, सावंत, हाँ जी, राखी सावन ने कहीं मेरा इंटरनेट हैक तो नहीं कर दिया? अभी अभी इंटरव्यू चल रहा था और अचानक मेरा इंटरनेट चला गया। मैंने ये लाइव थोड़ी मिस कर दी। 1 मिनट के लिए मेरा इंटरनेट, मेरा वाईफाई हैक हो गया। आउंडू, कहीं मेरे साथ ये साजिशें तो नहीं हो रही है? मोना बताओ, मोना बताओ कुछ कुछ भी हो एंडी, सकता है दीपक वहां जी। पे इंटरनेट का कनेक्शन नहीं था, इसलिए मैंने ये कमरा 1 लाख रुपए दे कर लिया एंडी। और जब मैं तुम्हें इंटरव्यू दे रहा था तो अचानक भयानक मेरा इंटरनेट हाईजैक कर दिया गया। मेरे पीछे साजिशें हो, और ये वापिस चला गया एंडी, ये इंटरनेट वापिस चला गया। तुम्हें मेरी आवाज आ रही है ना? जी, आप सुनाई भी दे रहे हैं, दिखाई भी दे रहे हैं, और ये जो आपका घर है, ये जो आपने लिया है अभी के अभी, ये भी दिख रहा है पूरी अच्छे से। अगर किसी को वो पर्वत की पहचान हो सकती है तो फिर शायद वो आपको ढूंढ भी लें। तो आपको डर नहीं है कि आप जिस तरीके से दिखा रहे हैं अपना लोकेशन बार बार, कि कोई जिससे आप डर रहे हैं वो आपका लोकेशन पता कर लें? यहाँ पे आने के लिए बहुत समय लगता है, क्योंकि ये पर्वत बहुत दूर है, और यहाँ के जो आदिवासी हैं वो मेरे मित्र हैं, वो इन्हें इस पर्वत पे कभी आने नहीं देंगे। हाइला हुइया करके इन्हें वो लोग भाला से मारेंगे, इन्हें वो लोग तलवार से मारेंगे। वो मेरे मित्र बन चुके हैं, क्योंकि मेरे वीडियोस पूरे दुनिया में देखे जाते हैं, यहाँ तक कि इग्लूज के एस्किमोज भी मेरे वीडियो देखते हैं, और इसीलिए यहाँ के आदिवासी मुझे बहुत प्यार करते हैं। हैया हो हैया, ऐसे करके वो इन्हें भाला तलवार से मार डालेंगे। ये जो हाइयुआ लेकिन जो प्यार हुइया मुझे कह रहे आदिवासी हैं, लोगों ने दिया, हाँ हाँ जी, ये जो क्या हाइयुआ हुइया, हाइयुआ हुइया आप कह रहे हैं, इन शब्दों का मतलब क्या है? हम तेरी जेल खड़े हैं, हम तेरे शामी खड़े हैं, हम तेरे साथ खड़े, हम तेरे दौरे खड़े हैं, ये मतलब हो गया करे इसका एंडी। बाकी तो मोनो पतो, बट ये मतलब हो गया करे। तो हिंदुस्तान में एस्किमो कब से आने शुरू हुए? अरे टुंड्रा लैंड की एस्किमोज की बात कर रहा हूं मैं, जो इग्लूज में रहते हैं वहां तो वो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं। एस्किमोज जो टुंड्रा लैंड में रहते हैं, ग्रीन लैंड में, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मैंने अच्छा कब कही तुझे कि वो इंडिया में आते हैं? क्या अच्छा इंडिया के वीडियो वहां पे ना दिखाई देवे? क्या बात कर रहा, शर्म ना आती तन्ने? बड़े बुढ़ों तक कैसी बात करे?
तो एस्किमोज पता ना हो जो इग्लूज में दोनों रहते बताओ। हैं, उनके पास टीवी तो होते नहीं होंगे, तो आपके वो वीडियोस कैसे देखते हैं? अरे अभी वो लोग भी डेवलप हो गए हैं, वो अलास्का के जो एस्किमोज है ना वो अभी डेवलप हो गए हैं। एस्किमोज जो होते हैं सिर्फ एक ही कंट्री में नहीं होते, ग्रीनलैंड में होते हैं, उसके बाद में फिर ट्रांस साइबेरिया में होते हैं, अलास्का में होते हैं, बहुत जगह पे होते हैं एस्किमोज। और वो लोग तो अभी काफी डेवलप हो गए हैं, वहां पे भी सब कुछ आ गया है। कौ बात कर रो तो ना बताओ, बात किए जा रहे बड़े बुढ़ोनते कैसी बात करे पता ना हो तो। ठीक है, तो अभी आप पर्वत पे खड़े हैं, वहां पे आप हरियाणवी का क्यों यूज कर रहे हैं लैंग्वेज? वहां पे किसी को समझ तो आएगी नहीं, आपको तो शायद वो ट्राइबल लैंग्वेज यूज क्योंकि करना यहां चाहिए। पे मुझे पहुंचाया है एक हरियाणवी हट्टे कट्टे मुस्टंडे ने। तुझे क्या लगता है कि यहाँ पे इन वादियों में मैं अकेला डोल रहा हूं? एक हरियाणवी मुस्टंडा मेरे गेल आया और रातों रात उसके साथ बहुत सीख ली मैंने लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ पे पहुंचने के लिए काफी दिन लगे। तो साथ में उठना बैठना लेटना उसमें बातों ही बातों में सीख गया वो मुस्टंडे के साथ। कैसे कैसे करते हैं, क्या क्या करते हैं, वार्तालाप सब सीख लिया मो। तू तो भी आप सीख जावेगा, तेरे भी शामी बढ़ा दूंगा ये हरियाणवी ते, तू भी सीख जाओगो सारो। तो अगर अगर हमें आवोगो ऑप्ट आउट यहां पर करना होगा, आवोगो। तो आप तो कह रहे थे बहुत समय लगता है जाने के लिए वहां पे, अगर आप मुझे फ्लाइट की डिटेल्स बता दे तो शायद मैं फ्लाइट लेके आ जाता हूँ आपके पास। फ्लाइट में मैं इसीलिए नहीं आया क्योंकि जहां पे भी मैं जाता हूं मेरे मुरीदों का तांता लग जाता है। फ्लाइट में मेरे मुरीद मुझे जान जाते और वो मेरे पीछे पीछे आते सेल्फियां लेने के लिए, और मेरे मुरीदों के इस तांते से बचने के लिए मैंने अकेलेपन की तरफ रुख किया। वो हरियाणवी मुस्टंडे से दोस्ती करके मैं यहां तक आया, और उसके बाद में हम लोग पैराग्लाइडिंग से, वो तो देख रहे हो ना, वो दिख रहे हो, वो दूर ते दिख रहा, वहां पे हम लोग गए और वहीं पे मैंने मेरा डेरा डाल दिया। लेकिन जब मैंने पाया कि वहां पे इंटरनेट के कनेक्शन की खामी है तो मैंने यहाँ पे कमरा ले लिया। बहुत कॉम्प्रोमाइज है एंडी, तुम्हें पता है मेरे घर पे इंडिपेंडेंट स्विमिंग पूल है, लेकिन ये चीप होटल में मैं जैक्यूजी से कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, जैक्यूजी से। दिखाओ हाँ तुम्हें जी, मेरा जैक्यूज़ जैक्यूज़ी, ये जी, हाँ जी, देखो यहां पे है मेरा जैक्यूज़ी। लेकिन अभी मेरी रशियन गर्लफ्रेंड अंदर है, इसीलिए मैं ना तो दिखा पाऊंगा, मैं ना तो दिखा पाऊंगा। तो आप हरियाणवी मस्टंडे के साथ जब लेटते हो तो आपकी रशियन गर्लफ्रेंड भी आपके साथ होती है? हाँ गेलम गेल वो भी साथ होती है, ऐसे कुछ नहीं है। ये रशियन गर्लफ्रेंड भी मुझे पहाड़ों पे मिली, वो भी झुंझला गई थी, बौखला गई थी। वो बहुत अमीर है, उसके पीछे कुछ गुर्गे लगे थे जो फिरौती मांग रहे थे, इसीलिए वो यहां पर आकर मुझे टकराई, क्योंकि वो भी अकेले में यहाँ पे दिन काट रही थी। हमारे में थोड़ा हो गया और उसके बाद में वो भी हमारे साथ दोनों के बीच रहने लगी। अभी हम लोग रह रहे हैं खुशी खुशी। तो मैंने सुना है कि ये जो आपकी रशियन गर्लफ्रेंड है ये पुतिन से रिश्तेदारी में है, क्या ये सच है? पोलैंड, पुतिन, पुतिन ओके प्रेसिडेंट ओके, पुतिन, पोटिन पोटिन, हाँ, पता है मुझे पोटिन। ओके, वो एक पॉलिटिशियन है रशिया के? पुतिन नहीं, नहीं है, पुट इन नहीं है, पुतिन है। हाँ पुतिन तो मुझे पता है वो एक पॉलिटिशियन है, लेकिन उनके साथ ज्यादा खानदानी रिश्ते नहीं है मेरे, सिर्फ थोड़ी बहुत मेरे गर्लफ्रेंड के जरिए हाय बाय होते रहती हैं। और जब मुझे इंडिया में ढेर सारे फैंस है बथेरे, तो फिर मैं रशियन पॉलिटिशियंस के पीछे क्यों भागू भला? आप कोई रशियन स्पाई तो नहीं हो दीपक? ना, हाँ मेरी पर्सनालिटी से और मेरे चेहरे के रुख रुखाव से लोग मुझे रशियन भी कहते हैं, बट मेरी
दादी माँ हाफ यूरोपियन और हाफ इंडियन थी, इसीलिए मेरे फीचर्स थोड़े यूरोपियन लोगों से मिलते जुलते हैं। लेकिन वैसे तो इंडिया का भी अंश है मुझ में, भले कम मात्रा में हो, लेकिन है तो सही। तो कौन सी यूरोपियन कंट्री से है थी आपकी दादी जो हाफ हाफ थी? ये सब बातें मैं यहां पे डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूं, बट यही बोलना चाहूंगा, लिंचिस्टन से थी। लिंचेस्टर। हाँ, और कुछ पूछना है तो हाँ जी, बहुत पूछना है ताकि मेरे को। जानकारी मोनो पता। तो देखो, वापस आप आते हैं मेन मुद्दे पे। हमने सुना है कि मूवी माफिया जो है वो आपके पीछे पड़ी थी, क्योंकि आपने कुछ ऐसा वैसा करके आए हो और आप सब ये जो दोष है वो राखी और आदिल के ऊपर डाल रहे हो। तो आपने ऐसा कौन सा हाँ, कांड किया है जिससे मूवी माफिया आपके पीछे पड़ी? अच्छी खासी जिंदगी कट रही थी मेरी, और उसके बाद में भाई मैं ना किसके पीछे किसके शामी खड़े रहो, बट वो कहते हैं ना कि भाई बुरे वक्त देख के ना आया करे, और इसीलिए तेरे भाई के दोहरे ये बुरो वक्त आ गो और तेरा भाई भगो। भाई कह रहो मन ना तो को लेनो न देनो, भाई मैं तो मेरे शामी मेरे जिंदगी की गेल अच्छे दिन काट रहा, बट यो आदिल दुर्रानी फोन करो, तनुश्री दत्ता, राखी सावंत, मोनो पता भाई मेरे जिंदगी में कौन सो तहलका मच गो। मैं तो भाई राह पकड़ के यहां पाओगो, और अब मैं कह रहा हूं यहां ते आवोंगो ना तो यहां ते भी भगोंगो, धरती बहुत बड्डी है, मोनो को नो लेको खायो, बोल रहा कभी कोई बहम में हो, तू तो लंदन में डोल रहो, इंटरव्यू पे इंटरव्यू करे जा रहो, तो न धोखो न किसको खतरो, तू तो डोल रहो लंदन में, तो आपकी बताओ मेरे जिंदगी में कितना बड़ो धोखो कितना बड़ो खतरो पता तो। तो आपके ऊपर ये एक इल्जाम है कि आप ये सब कुछ कर रहे हो बिग बॉस के अंदर जाने के लिए, क्या ये सच है? बिग बॉस, मैंने तो बिग ब्रदर की ऑफर ठुकरा दी, लात मार दी मैंने बिग ब्रदर के ऑफर को। पहले मुझे बिग बॉस के लिए इनविटेशन आया था, तो मुझे लगा कि वो लोग सलमान खान को रिप्लेस करने के लिए मुझे कॉल कर रहे हैं, लेकिन जब मुझे पता चला कि वो लोग मुझे एज ए कंटेस्टेंट ले रहे हैं, तो मैंने बिग बॉस को लात मार दी, लात मार दी। मेरा सपना है कि मैं बिग ब्रदर में एज अ एंकर बन के जाऊं, लेकिन बिग ब्रदर का सपना ना पूरा हो। चलो वो तो वो, कम से कम यहां पे तो सलमान खान के रिप्लेसमेंट में मौ बुलाओ, वो तो ना करो कंटेस्टेंट, शर्म ना आती तन्ने, शर्म ना आवे बिग बॉस के टीम को, मौ बुलाओ एज ए कंटेस्टेंट ना, मैं ना करो। हाँ, अगर वो सलमान खान से मुझे रिप्लेस करेंगे तो ही मैं करूंगा, और उसमें भी मेरी एक कंडीशन है कि सभी शूटिंग बर्फीली वादियों में कश्मीर में या हिमाचल प्रदेश में होगा, क्योंकि बंबई की गर्मी पसंद नो मो। ठीक है, तो हम आप आगो राखी सावंत, राखी सावंत आगो, राखी सावंत राखी सावंत आगो, पागल फोन को दोहरो आगो, पागल फोन को दोहरो आगो, मुझे गोलियां लेनी होगी, मुझे गोलियां लेनी होगी, मुझे मुझे दवाइयां लेनी होगी, मुझे दवाइयां लेनी होगी, दवाइयां लेनी होगी। डॉक्टर ने कहा तो देखो दो पैग रॉयल दीपक अटैक के आपको, पिया करो, दीपक जी दो पैग रॉयल आपको अटैक के आपको पिया ना करो। गोलियां जरूर खानी चाहिए, पर उसके साथ साथ आपको ऐसा नहीं लगता, क्योंकि देखो आपका रिश्ता तो बहुत पुराना है राखी सावंत से, और उड़ती हवा में एक खबर आई है कि राखी सावंत ने
आपको अनफॉलो कर दिया इंस्टाग्राम पे, ऐसा क्यों हुआ? अरे बाप रे, तो मुझे तो किम कर्दाशियन ने फॉलो में फॉलो कर दिया। बाप रे, मुझे तो बहुत लॉस हो गया, मेरी जिंदगी तो तितर बितर हो गई, मेरे पल्ले तो कुछ ना पड़ा। बाप रे, राखी सावंत जो कि किम कर्दाशियन से भी ज्यादा फेमस है, उसने मुझे अनफॉलो कर दिया। अरे बाप रे, को होगा, अब तो मैं यहां से आत्महत्या करूंगा। मैं बचा लो, क्या ना फर्क पड़े मन्ने करण दे भाई, कौन सी ऐसी जिंदगी रुक गई। तारे भाई ने सिस्टम पाड़ रखा कतई, तारा भाई को टोर्रा चाले से करण दे मैंने अनफॉलो। मौको ना फर्क पड़ो, मौको ना फर्क पड़ो। तो ये जो सिस्टम सिस्टम आप कर रहे हैं, क्या ये एल्विश यादव ओटीटी बिग बॉस विनर का सिस्टम है? ये कहां से सिस्टम आता है? ये जो सिस्टम है ना, ये मेरा है, और उसके बाद में पहले मैं इसको यूज करता था, लेकिन वो एलविश यादव ने ढपाक करके चुरा लिया मेरा डायलॉग, और लोगों को लगने लगा कि ये उसका डायलॉग है। मेरे वीडियो खंगाल कर देखना, जांच पड़ताल करके देखना, पता लग जाता मारो डायलॉग है वो। छान लियो, कर लियो छानबीन, कभी करनी हो। तो एल्विश जो है वो तो इतने सारे म्यूजिक वीडियोस बना रहा है, स्टार बन गया है, सीएम के घर पे पहुंच गया है, आपने क्या किया है? मेरे भी वीडियो आए हैं, दीपक कलाल का सिस्टम, दीपक कलाल का टोरा, उसके बाद में फिर मेरा अभी नेक्स्ट सॉन्ग आ रहा है, दीपक कलाल का क्षेत्र, क्षेत्र मतलब एरिया, तो बहुत सारे मेरे गाने आए हैं, देखना है तो देख लियो। दीपक कलाल का टोरा, रशियन लड़कियां मेरे आगे पीछे डोले, और तेरा भाई है ना वो फरारी में हांडे, देख लियो कभी कोई बहम में हो। तेरे भाई के बथेरे सॉन्ग आ रखे मार्केट में, बट दोनों पता पता कुछ, पहले देख लीजो, रिसर्च करियो, पहले पहले जानो पहचानो। अरे बड़े बुढ़न के गेल कैसी बातें किया करे, पहले सीख ले। अरे ना तो शर्म, कम से कम अपनी औखन की तो शर्म कर ले एंडी, अपनी औखन की तो शर्म कर ले। सुनो आंखों की शर्म। ना पतो, तारो भाई को गाना रखो, जाके देख लीजो कभी कोई बहम में हो। तो पतो नो, तो गानो देखे नो, तू तो कोनो जोड़े नो, और मने पूछ रो एल्विश यादव गाने करो तो न करो, देख लीजो टाइप करते यूट्यूब पे, मिल जावेंगे तड़े मारे गाने बथेरे। पहले जानो पहचानो फिर बात कर लीजो मारे दोरे। तो आपको देखो, आपके चाहने वाले बहुत हैं, दुनिया के इधर गिधर सब जगह फैले हुए हैं दीपक कलाल के फैंस, और उनके जो पसंद करते हैं आपको, तो आप ऐसा उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे कि वो आपको फॉलो करें और भी आपको बढ़ाएं और एल्विश यादव को छोड़ के आपके पास आ जाएं? एलविश यादव 4 दिन की चांदनी हो यहां करें, ये लोग आवे यहां पर इंस्टाग्राम ते सोशल मीडिया ते, 4 दिन चमचम चमचम करें, बाद में अमावस की रात के जैसे ढप करके खो जावे। दीपक कलाल ब्रांड है ब्रांड, और दीपक कलाल चाले बथेरो बथेरो नॉनस्टॉप। दीपक कलाल के पास होने ढेर सारे डायलॉग्स, बथेरे नॉलेज। भाई दीपक कलाल अपने आप में ब्रांड है ब्रांड, ब्लॉन्ड, पर ये तो आपके बात बाल तो मौने कि ब्राउन नहीं है, मौने? आपके बाल ब्राउन है, हाँ, ब्लॉन्ड नहीं है। ब्लॉन्ड तो सुनहरे बाल होते हैं ना। अरे हरियाणवी, हरियाणवी में ब्रांड को ब्रांड कहां करें, ब्रांड क्या करें, तो ना पता तोनो पतो, ये थोड़ा वो क्या मारवाड़ी का फील आ रहा है, ये हरियाणवी का नहीं। अरे हरियाणवी में 36 बिरादरी है, जैसे तुम्हारे लंदन में 69 बिरादरी होवे ना, जैसे तुम्हारे लंदन में 69 बिरादरी होवे, वैसे हरियाणा नाइन में नहीं, 36 सिक्सटी बिरादरी नाइन होवे। दीपक जी, 69 कैसे होते हैं वो थोड़ा गिन के बताइएगा। 69 ना, तो ना पता
पोजीशन तो बहुत ली है तने। तो वैसे हरियाणा में 36 बिरादरी होती है, तो उसमें सिक्सटी एक नाइन बिरादरी आपने होती है पोजीशन बोला, गुजरी। 69 पोजीशन, ये क्या होता है? ये जो लाइव है ना, इसमें ऐसी बातें ना करिया करो, ये बातें हैं बड़े बुड्ढे देखिया करें, मेरे फैंस बुड्ढे है ना, बुड्ढे कोई बुड्ढे यंग बच्चे ना करते हैं। हो व्या करें, तो ये ऐसी बातों को अंदर ही अंदर रखा कर छोरे, ज्यादा उजागर ना किया करें। अच्छा, तो आपको पता नहीं होगा इसलिए आप बता नहीं रहे। नो मोनो पता, नहीं पता। आगे पूछ। 71, ये भी कोई होता है पोजिशन? ट्वेंटी नो टू 22 होता है नो पोजिशन? नो 31, सिक्सटी नाइन पोजिशन होवे, बस लेकिन एक ही आजकल होता है। तू बहुत छा गो, तो तेरी तो छे की पोजीशन होवे। छे, दुनिया की पोजीशन मोनो पता, पर तेरी तो पोजीशन अलग, छे छे पोजीशन अरे है तेरी। तू तो बिग बॉस 7 में था ना, तुझे तो 6 में सात, होना चाहिए था, वहां तो पे सात बहुत सूट करता तू। पर सात में तो फिर पोजीशन सात होना चाहिए ना, छे क्यों? 6 ना पता तो नहीं, छे छे 69 से छे निकाला आपने, छे और फिर नाइन, कैसा है? अच्छा, ये इंटरव्यू चल रहा हो तो मैथमेटिशियन बन के डोल रहो, तू मैथमेटिक्स की क्लास लगा रहो, अगलो सवाल पूछ। ठीक है, मैं आपको पूछता हूं कि अभी आप क्या करना चाहेंगे? अब कभी वापस आएंगे पर्वत से, या फिर यहाँ पे डर के मारे यहीं पर रहेंगे अभी आप? यहां पे अभी जाड़ा आने वाला है, और यहां जाड़ा, पे मैं नहीं चाहता हूं कि मैं गाना गाऊं, हुस्न पहाड़ों का क्या कहना के बारो महीने, यहाँ मौसम जाड़ों का, यहाँ पे ठंड होती है और ठंड में ठिठुरना पसंद नो। मैं यहाँ पे सिर्फ एक दिन के लिए आया हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंबल का इंतजाम किया है, ताकि मैं मेरे हाथ से टेम्परेचर मेंटेन कर सकूं। यहाँ पे ठंड में बहुत ठिठुरन होती है, और यहाँ की ठंड गुलाबी मत होती है, वो तुम्हारे तन बदन पे चुभती है, इसीलिए जल्द से जल्द मैं वहां पे आना चाहूंगा, लेकिन मैं इंडियन गवर्नमेंट से Z+ सिक्योरिटी लेना चाहूंगा, ताकि वो मेरा रख रखाव कर सके, मेरा बच बचाव कर सके, क्योंकि राखी मेरा फक फकाव ना कर दे। ठीक है, तो आपको आपकी सुरक्षित वे में बुलाना चाहिए वापस। हम भी दरख्वास्त करते हैं इंडियन गवर्नमेंट से कि आपको Z++++++++ उससे भी प्लस अगर होती है तो प्लस मैं सिक्योरिटी एक आपको गाना मिले। गाना चाहूंगा, हाँ जी, गाओ। सुरक्षा सुरक्षा मेरी करो, तुम सातों जन्म एक नहीं दो नहीं, सुरक्षा करो मेरी सातों जन्म, सुरक्षा 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 करो मेरी सातों जन्म, बस यही मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि बार बार मैं गुजारिश ना कर पाऊंगा मेरी सुरक्षा के लिए। इंटरेस्टिंग। देखो, अभी देखो आपकी जो शादी थी राखी सावंत से, वो काफी फेमस हो रही थी, तो अभी तक आपने शादी किसी और से क्यों नहीं की? क्या आप अभी तक राखी सावंत से प्यार करते हैं? अरे जब एक बारी मैंने धोखा खाया, जिसमें मैं टकली हो गया और उसके बाद में मैं मेंटल हो गया, तो कोई लड़की अभी मुझे अपनाएगी? और मैं बार बार धोखे क्यों खाऊं, ये जो बचे हुए बाल है ना, वो भी गिर जाके मेरी टॉट जो है पूरी तरह से चमकने लगेगी। भाई मुझे अभी अब धोखे नहीं खाने हैं, और तुम्हें पता है मैं तो ये कहूंगा कि भाई ये लड़की वड़की कुछ ना होवे, ये प्यार व्यार कुछ ना होवे, ये सब वासना के भूखे होवे। दीपक हॉट है, हरियाणवी मुस्टंडा है, दीपक हमें ऑर्गेजम देगा? नो, मैं ना दूंगा, मैं तो ये लड़कियों को तरस के रखूंगा, मेरे फोटो देखो और ले लो ऑर्गेजम्स, मैं ना कभी किसके हत्थे चढ़ूंगा ना हाथ आवोंगा, मैं अकेला हिमाचल में रहूंगा, कभी कोई बहम में हो तू तो सदमे में चलोगा।
सदमे में? नहीं, सदमे तो नहीं हूँ. मैं डेफिनेटली सोच रहा हूँ कि अगर आप शादी नहीं करेंगी तो यू नो, बहुत सारे जो लड़कियों का दिल जो टूटेगा क्योंकि आप शादी नहीं करेंगे उनके साथ, मैं उनके बारे में सोच रहा था, इसलिए थोड़ा मैं यू नो, ज्यादा ध्यान में चला गया था. तो अगर देखो आजकल क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अब ये चल रहा है कि गे मैरिज का सीन चल रहा है, जहां पे हिंदुस्तान में गे मैरिज लेके आ रहे हैं. तो अगर आपको लड़की के साथ शादी नहीं करनी है तो लड़के के साथ कर लो, अभी वो भी तो चलता है. अरे भाई, अभी मेरी उम्र हो गई है 50, अभी मैं घूमने फिरने के लिए किसी स्पाउस को ढूंढ रहा हूं। तो मो ये ना फर्क पड़ो कि भाई लड़का होवे कि लड़की होवे, बट लड़की के नखरे होवे बथेरे। यो ना करोगी, वो ना करोगी, आकी गेल ना बात करियो, यो की गेल ना बात करियो। भाई लड़की के होवे 56 नखरे, मैं ना झेल पावो। और इसीलिए बोल रहा कि अपने घूमन फिरने के वास्ते लड़के की कंपनी ठीक रवे। तो शादी की के बात कर रहो, शर्म ना आती तने बड़े बुड्ढों से कैसी बात क्या करे। कम से कम औखन की तो शर्म कर ले, औखन की तो शर्म कर ले। शादी की बात बोल रहो, शर्म ना आवे तने। तो आप बच्चे कुछ भी पैदा बोल करने, रहो, बके जा मतलब रहो, जो मुंह में आवे वो गपर 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 करे जा रहो। आपने बच्चे तो पैदा करे नहीं, बुड्ढे कैसे हो गए? क्यों मैं न सुन पावे, दोबारे बोलियो। हाँ, तो आप अभी तक आपने बच्चे पैदा नहीं लाना थे करे या हैं, कि तो आप लंदन कहाँ के से बुड्ढे नेटवर्क, हो गए? मैं न सुन पा रहा हूं। तो अच्छा, लाना थे तेरे लंदन के नेटवर्क थे। तो ठीक है. मैं आपको जोगिंदर के बारे में पूछना चाहता हूँ. बहुत सारे लोग आपको जोगिंदर का जो भी कंट्रोवर्सी था, अभी आप उसके बारे में क्या बोलेंगे? कुछ मर गो समय जोगिंदर हम्म. भाई। वो सी वो जोगिंदर ना तो जोगिंदर, ये होवे चोदिंदर, या को नाम होवे चोदिंदर, ये यहां वहां पे चुत्ता डोले। भाई वो तो बताओ, जोगिंदर के गेल ना तो मारो कोई संबंध ना रिश्तो, और मैं ना रखो कोनो रिश्तो। भाई दोस्त वो आया करें जो तेरे दौरे काम आया करें। ये मैं डोल रो अकेलो अकेलो यहाँ पे पहाड़न ते। भाई मेरे शामी ना कोड़े खोड़ा रो, मेरे गेल मेरे दौरे ना कोनो खोड़ा रो, अपनो अपनो अकेले डोल रो। मैं को करो ये चौदिंदर के जिंदगी में का और है। मर गो मने ना कुछ लेना ना देना, याकी गेल मैं को करो मरन दे। तो आप दूसरो सवाल हर शाम पूछ। को आप हर शाम को लाइव आते हैं इंस्टाग्राम पे, और वहां पे खूब सारी गालियां आपको पड़ती हैं, और आप ऐसे क्यों करते हैं बताइए? गाली बने तो ना समझ में आवे, ये लोग मने गाली दे बथेरी। भाई अगर इटालियन लैंग्वेज में गाली दे, स्पेनिश लैंग्वेज में गाली दे, तो मारे पल्ले भी पड़े। वो तो अब तो सीख रहो हरियाणवी और या की दूसरी लैंग्वेज। भाई अच्छे अच्छे लैंग्वेज में अच्छे अच्छे भाषा का प्रयोग सीखो। हरियाणवी मेरे पल्ले ना पड़ो, गालियन ते लैंग्वेज समझ में ना आवो। भाई के फर्क पड़ो, गाली तो ये लोग देवे, बट लंदन ते एंडी किसका इंटरव्यू लेवे बता, नू बता। बारा इंटरव्यू लेवे, जो गाली गरोच करे उनको इंटरव्यू लेवे एंडी। तो आई बात समझ भाई, मन्ने ना कोनो फर्क पड़ो, मन्ने ना कोनो फर्क पड़ो। दीपक कलाल ब्रांड है, ब्रांड इंस्टाग्राम की रॉन्ड नहीं है। नाम कमायो, बड़े बड़े लोगों ते इंटरव्यू दियो। भाई तेरे भाई ने लठ गाड़ रखी, झंडे गाड़ रखे दुनिया ते, पूरे दुनिया ते लोग मो जाने। ये बात तू मोने कि नहीं मोने? मोने, ये किसी का नाम है? हाँ तो मोने मतलब तू मानता है या नहीं? अच्छा, मैं मानता हूं? नहीं, मानता. मैं क्या मानना था? अरे कि मैंने मेरा जो नाम है वो मेरे बल और बुत्ते के ऊपर हासिल किया।
ये बुत्ता क्या होता है? शक्ल? अरे बलबूते के ऊपर, सॉरी, बल और बुत्ते के ऊपर नहीं, बलबूते के ऊपर। अच्छा, क्योंकि पंजाबी में चेहरे को भी बूथा कहते हैं, जब बुरा होता है तो उसको बूथा कहते हैं, इसलिए मैं लगा कि शायद आप वो कह रहे हैं। नहीं, मैंने मेरे बलबूते के ऊपर, मैंने अच्छा, बीच में और क्यों डाल दिया, मोनोपा। तो आप कुछ आप कुछ और डाल देते, आपने और ही डाल दिया, तो आप क्या डालना चाहते हैं बताइए। तू मुझे एक बात बता, तू हाँ मुझे जी, यहाँ पे सवाल पूछने के लिए लेके आ रहा है कि मेरे शब्दों का खंडन करके यहाँ पे भाषा शैली की पाठशालाएं लेने के लिए आ रहा है? सवाल पूछ ठीक जिसके है, लिए मैं यहाँ पे आया हूं। हाँ जी पूछते हैं, क्यों नहीं पूछेंगे, ऑफ कोर्स पूछेंगे, पूछने के लिए तो आए हैं, तो पूछते हैं, आपको क्या पूछें बताइए। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि अभी देखो आप यहाँ पे आए हुए हैं, देखो आप कभी कुछ करना चाहते हैं इंडस्ट्री में वापस, क्या आपको किसी को चांस देना चाहते हो, या फिर आपको खुद चांस ढूंढ रहे हैं? बताइए, क्या आपको चांस चाहिए वापस बॉलीवुड में घुसने का? मुझे बिल्कुल चांस नहीं चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री के लोग जो हैं वो दुगले होते हैं, ये सांप के जैसे होते ही नहीं, दू मुंह होते हैं, ये कभी भी मेरे ऊपर हमला बोल सकते हैं और उसके बाद भी मेरे साथ ब्लैकमेल करके मुझसे पैसे हथिया सकते हैं। ये एक माफिया है और मैं इस माफिया से दूर रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक भोला भाला मसीहा हूं और मेरे बस की ना हो मैं वहां पे आकर ये छक्के पंजे खेलना, उसके बाद में ये अफेयर्स, गॉसिप, स्कूप्स और कंट्रोवर्सीज करना। मैं भाई मेरे शामी मेरे गेल ही अच्छा हूँ, मोपे ना वे यो बिचिंग बाचिंग। ठीक हो भाई, अपनो अपनो अकेलो कर लेंगे जैसे रोटी पानी का, बाकी तो मोनो पताओ कि मेरे किस्मत में कौन लिखा रहो। आपका कोई ऐसा सपना है अभी तक जो अधूरा है, जो आप पूरा करना चाहते हैं? हाँ, मेरा एक ही सपना है, जिस दिन तू मेरे हत्ते चढ़ गो नो, तो इंडिया, मैं कसम से कह रहा हूं, ऐसो धोवोंगो तने तने सोची ना होगी, मैं कब से देख रहा हूं, तू इसको वो सवाल उसको वो सवाल चुगली करे जा रहा हूं और तेल डाल के आग लगाते जा रहा हूं। तू बस मेरे हत्ते चढ़ियो, मेरो यह सपना है कि मैं तने ना छोड़ूंगो, ऐसो पीटोंगो तू फसोंगो तो कुटोंगो हांडी, लिख के लीजो, बस तू मेरे हफ्ते चढ़ियो एक बेर, फिर देखिए तेरी एंडी को डंडी कैसे दिया करे दीपक कलाल, कभी कोई बहम में हो, ये मेरो सपनों है, अब बता पूरो करोंगो करोंगो आपने मारो सपनों पूरो जब बता। आपने हाँ मैं बताता हूँ, अगर आपने बोला है कि आप चाहते हैं कि मैं आपके हाथ पे ऊपर चढ़ूं, तो मैं काफी वजनदार हूं, अगर आपके हाथ पर मैं चढ़ गया तो आपका हाथ टूट जाएगा, तो फिर मेरे पास बिल मत भेजना, मैं बस वही बोल रहा हूँ। ठीक है, वो हम देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि और कुछ? मेडिकल बिल्स महंगे होते हैं ना, इसलिए मैं बस बोल रहा हूँ। चलो ठीक है, अभी आप मुझे ये बताइए कि आप चश्मा ये पहनते हैं, ये जो चश्मा है, क्या इसमें कुछ लगा हुआ है जहां से आपको दुनिया कुछ अलग अंदाज में दिखती है, या फिर ये सिर्फ देखने के लिए है? ये जो चश्मा है इससे मुझे बहुत ही साफ सुथरा नजर आता है, और ये चश्मा जो है मुझे मेरे फ्रेंड ने गिफ्ट किया है जिसका नाम डोटेला वर्साचे है, जिसने पिछली बार मुझे कपड़े गिफ्ट दिए थे, तो अभी मैं मिलान गया था तो उसने मुझे चश्मा गिफ्ट किया है। अगर तुम्हें यह अच्छा लगता है तो मैं भी इसमें दूंगा, और ये चश्मे में एक खासियत है। हेलो, हाँ जी, क्या है खासियत इस चश्मे में? पूरी दुनिया नंगो नंगो दिखे से, पूरी दुनिया नंगो नंगो दिखे से। ओ, क्या ये डिजिटली भी चलता है, जैसे कि अभी ये जो मेरी शर्ट है, क्या ये अभी नहीं नजर आ रही आपको, या फिर? एंडी, तेरे इंटरनेट में दिक्कत हो रखी कतई, तो हम अच्छा, लोग अभी ये इंटरव्यू वाइंड अप करते हैं और उसके बाद में नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मो लग रहो कि तेरे इंटरनेट में दिक्कत हो राखी, और वो दोबारा आ रही है एंडी,
मुझे वापस वहां पे जाना होगा। शाम ढल रही है और मुझे ये घर छोड़ना होगा, क्योंकि अगर उसको पता चला तो वो यहाँ पे आ सकती है। ठंड बहुत है, मेरा तन बदन ठिठुर रहा है एंडी, मुझे जाना होगा। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ एंडी, मैं जा रहा हूँ। तो ये थे दीपक कलाल जी, और ये एक पर्वत पे हाइडिंग में हैं राखी सावंत से। ये कह रहे हैं कि राखी सावंत आदिल खान दुरानी इनको अपने पक्ष के लिए खींचे जा रहे हैं, और इस वजह से ये भाग के चले गए हैं। और अभी भी उनको लगता है कि राखी सावंत ही उनके इंटरनेट के साथ खेल रही है, उनका वाईफाई खराब कर रही है, ताकि उनका इंटरव्यू हमारे साथ पूरा ना हो सके। पर देखिएगा, यहाँ पे दीपक लाल ने बहुत कुछ खुलासा किया है, बहुत सारी चीजें ऐसे बोली हैं जो बहुत ही गंभीर है और बहुत सीरियस है, तो कोई भी इसको देख के हंसना मत। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। अभी हम आएंगे 9:30 बजे निकी चावला के साथ। निकी चावला जो है वो है इंडियाज फर्स्ट ट्रांसजेंडर मॉडल, और वो आएंगी यहाँ पे डिस्कस करने कि बिग बॉस में इंक्लूसिविटी अब कम क्यों हो गई है, यानी कि व्हाई बिग बॉस में कोई ऐसा LGBTQ से अब नहीं दिखता है। शायद 3 या 4 सीजन से हमने कोई भी बिग बॉस में ऐसा LGBTQ से कोई भी कंटेस्टेंट क्यों नहीं देखा। तो वो यहाँ पे ये डिस्कस करने आ रही है, और साथ साथ में अपनी जर्नी भी शेयर करेगी कि वो मॉडल कैसे बनी, वो उनकी ट्रांसजेंडर की जो जर्नी रही है वो कैसे रही है, और अभी उनको एक्सेप्टेंस कैसे मिलता है कैसे नहीं, और सब अपने टेड टॉक्स जो उन्होंने बहुत बार किए हैं, अब वो बहुत सारे लोगों को मदद भी बहुत करती है। तो आई थिंक उनकी स्टोरी बहुत अमेजिंग हो सकती है। सो गाइज, डेफिनेटली ज्वाइन अस एट 9:30 टुनाइट, मतलब 9:30 इंडियन टाइम। अगर आप यूके से ज्वाइन कर रहे हैं तो दैट्स 5 PM यूके टाइम, एंड इफ यू आर एनीवेयर इन द एल्स इन द वर्ल्ड, आई डोंट नो द टाइम बिकॉज़ आई एम दैट लेजी। एक्चुअली 1 सेकंड, दैट्स नॉट ट्रू। या इट्स ट्रू बिकॉज़ आई कांट थिंक ऑफ एनी अदर टाइम्स, बट एनीवे गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब। तो ये डेफिनेटली लाइक करना, एंड जस्ट एज अ थिंग, आप जस्ट एवरीवन रिमेंबर कि दीपक कलाल एट द एंड ऑफ द डे एक कॉमेडियन भी है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ही इज a comedian as well. Okay guys, take care of yourselves. I'll see you at 9:30 tonight, and उसके बाद क्या हम चुगली गैंग का गॉसिप सेशन रखें, क्योंकि बिग बॉस कल चालू हो रहा है, फिर हमारा रिव्यू चलता रहेगा। और उसके साथ साथ अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो मेंबरशिप के द्वारा आप हमारे साथ एपिसोड देख सकते हैं, एंड क्योंकि हम एपिसोड में देखते, और वी हैव आवर ओन प्राइवेट चैट फॉर मेंबर्स ओनली। जो प्राइवेट चैट में जो बोला जाता है वो ऑब्वियसली ब्रॉडकास्ट में नहीं बोला जाता, सो दैट्स द अंदर की खबर। तो अगर अंदर की खबर चाहिए तो बिकम अ मेंबर एंड ज्वाइन अस फॉर द लाइव व्यूइंग, मतलब आप अपने घर में ही देखेंगे, जस्ट क्लैरिफाइंग, एंड साथ साथ में we just watch together, that's all we do. But if you want to watch with us, still come along and you can watch together with us. It's super fun and very informative. Okay guys, take care of yourselves, see you later. Namaste yoga, yoga se hoga. I hope so.